वेलकम फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से नई वीडियो लेकर आज मैं आपको इस 6 डिजिट एलईडी क्लॉक को बनाकर दिखाऊंगा। मैं इसी सेम क्लॉक को कुछ टाइम बाद 0 PC बोर्ड पर बनाकर दिखाऊंगा। क्लॉक में क्या क्या चीज इस्तेमाल किया गया है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 डिजिट एलईडी डिस्प्ले एंड इस दोनों डिजिट पे रियल टाइम सेकंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है टोटल 19 ट्रांजिस्टर। यहाँ पे इस्तेमाल किया है 8 MA माइक्रो कंट्रोलर एंड इस क्लॉक पे RTC मॉड्यूल को इस्तेमाल किया है टाइम रीड करने के लिए, जिससे आपको सही टाइम दिखाएगा। पिछले क्लॉक में टाइम थोड़ा फास्ट हो रहा था, इसलिए इस क्लॉक में RTC मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया है। एंड यहाँ पे इस्तेमाल किया हूँ 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ऐसे में डायरेक्ट 12 वोल्ट इनपुट कर रहा हूँ एंड इसको ऑपरेट करने के चाहिए 5 वोल्ट, इसलिए मैं यहाँ पे इस वोल्टेज रेगुलेटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड एक 12 हर्ट्ज एंड 24 हर्ट्ज का क्लॉक है। जब ये क्लॉक 12 हर्ट्ज मोड पे काम करेगा तब यहाँ पे ये PMLED ऑन होगा। एंड यहाँ पे है टाइम सेट करने के लिए 4 पीस बटन स्विच। यह क्लॉक का बैक साइड जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ टाइम बाद इसी को मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे आप कनेक्शन कर सकते हो। एक क्लॉक थोड़ा साइज में बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बोर्ड को जॉइंट करना पड़ा, क्योंकि सिंगल A4 पेपर में ये प्रिंट नहीं हो सकता है। तो चलिए क्लॉक को एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जरूरत होगा एक 1 पीस CR2032 बैटरी। तो मैं यहाँ पे जल्दी से 1259 सेट कर लेता हूँ एंड देखता हूँ ये 12 हर्ट्ज मोड पे ये PMLED ग्लो करता है कि नहीं। बाद में आपको सब कुछ डिटेल्स में दिखाऊंगा कैसे टाइम कब सेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो क्लॉक पे एक बज चुका है एंड यहाँ पे PMLED भी ग्लो कर रहा है। ये बाय डिफॉल्ट जब पावर दोगे ये 12 हर्ट्ज मोड पे क्लॉक रन होगा, लेकिन आप इस बटन को प्रेस करके 24 हर्ट्ज मोड को ऑन कर सकते हो। एंड जब ये 24 हर्ट्ज मोड पे क्लॉक चलेगा तब ये PMLED ग्लो नहीं करेगा। एंड फिर से इस बटन को प्रेस करके आप 12 हर्ट्ज मोड को सेट कर सकते हो। तो चलिए इसी क्लॉक को 0 PC बोर्ड पे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं 6 डिजिट को ऑलरेडी बना के रखा हूँ, क्योंकि इसका करने में बहुत टाइम लगता है। पहले जो क्लॉक बनाया था उसी सेम तरीके से LED डिस्प्ले को बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्लॉक की तरह यहाँ पे भी कॉमन एनोड डिस्प्ले बनाया है। सारे 6 डिजिट का सेम सेगमेंट को एक साथ कनेक्शन किया है पहले की तरह, लेकिन पहले क्लॉक में था 4 ट्रांजिस्टर एंड 4 डिजिट, लेकिन इस क्लॉक में होगा 19 ट्रांजिस्टर एंड 6 डिजिट। इस क्लॉक पे आप सेकंड को भी देख पाओगे। सारे 6 डिजिट का सेम सेगमेंट को एक साथ कनेक्शन किया है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल किया हूँ 2 तरह का ट्रांजिस्टर, NPN एंड PNP, 13 पीस NPN ट्रांजिस्टर एंड 6 पीस PNP ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ BC547 ट्रांजिस्टर को एंड PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ BC557 ट्रांजिस्टर को। एंड यहाँ पे 23 पीस 1K रजिस्टर एंड 2 पीस 470 ओम रजिस्टर की जरूरत होगा कनेक्शन करने के लिए। पहले सभी सेगमेंट का कनेक्शन कर लेते हैं। अब देख सकते हो एक BC547 NPN ट्रांजिस्टर, जिसका पिन 1 है कलेक्टर, पिन 2 है बेस एंड पिन 3 है इमीटर। कनेक्शन कैसा होगा चलिए देख लेते हैं। BC54 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 3 पे नेगेटिव कनेक्शन होगा एंड पिन नंबर 2 पे एक 1K रजिस्टर के साथ IC से सिग्नल इनपुट होगा एंड पिन 1 से सिग्नल आउट होगा। इस पिन को सेगमेंट के साथ कनेक्शन करना होगा। पहले ट्रांजिस्टर को इस सेगमेंट के साथ कनेक्शन करना होगा। इस तरीके से सारी 7 सेगमेंट को कनेक्शन करना होगा। अगर आपका LED ज्यादा पावर लेता है तब आपको ज्यादा करंट का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो डिस्प्ले सही से काम नहीं करेगा। मेरे पास जो LED है ये बहुत कम करंट कंज्यूम करता है, इसलिए मैं यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपका LED ज्यादा करंट लेता है ग्लो करने में, उस केस में आपको ज्यादा करंट का ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना होगा। इस तरीके से सारी सेगमेंट का कनेक्शन करना होगा। मैंने सारे ट्रांजिस्टर का नेगेटिव को एक साथ कनेक्शन कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा सेगमेंट का कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। हर एक सेगमेंट के साथ अलग अलग ट्रांजिस्टर कनेक्शन कर दिया है। इसके बाद रजिस्टर के साथ IC कनेक्शन करना होगा। तो IC बेस को बोर्ड पे सेलेक्ट कर लेते हैं।
इस सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 2 के साथ कनेक्शन करना होगा। बी सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 3 के साथ कनेक्शन करना होगा। सी सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 4 के साथ कनेक्शन करना होगा। डी सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 5 के साथ कनेक्शन करना होगा। इस सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 6 पर कनेक्शन करना होगा। एफ सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 11 के साथ कनेक्शन करना होगा एंड जी सेगमेंट का रजिस्टर को आईसी पिन 12 के साथ कनेक्शन करना होगा। इसके बाद आईसी पिन 9 एंड 10 पे 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल कनेक्शन करना होगा। इसके बाद डिजिट का कॉमन कनेक्शन करना होगा। डिजिट का कॉमन कनेक्शन करने के लिए एक डिजिट के लिए दो अलग ट्रांजिस्टर की जरूरत होगा, BC547 एंड BC557। BC547 पे सिग्नल इनपुट होगा आईसी से एंड BC557 से सिग्नल आउटपुट होगा जो डिजिट पे कनेक्शन करना होगा। आउटपुट सिग्नल मतलब BC547 ट्रांजिस्टर के पिन 1 से एक 1 के रजिस्टर के साथ BC557 ट्रांजिस्टर के पिन 2 में मतलब बेस पे कनेक्शन करना होगा। पिन 3 को पॉजिटिव पे कनेक्शन करना होगा एंड पिन 1 से आउटपुट होगा, इसी आउटपुट को डिजिट पे कनेक्शन करना होगा। इसी सेम तरीके से 6.5 डिजिट का कनेक्शन करना होगा। आईसी पिन 18 से डिजिट 1 का कनेक्शन होगा। आईसी पिन 17 से डिजिट 2 का कनेक्शन होगा। आईसी पिन 16 से डिजिट 3 का कनेक्शन होगा। आईसी पिन 15 से डिजिट 4 का कनेक्शन होगा। पिन 14 से डिजिट 5 का कनेक्शन होगा एंड पिन 13 से डिजिट 6 का कनेक्शन होगा। इसी तरीके से 6 ट्रांजिस्टर को सेट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने सेट कर लिया है एंड 6.5 ट्रांजिस्टर की नेगेटिव को एक साथ सोल्डर कर दिया है। यह है BC557 ट्रांजिस्टर जो एक PNP ट्रांजिस्टर है। इसी सेम तरीके से सारे ट्रांजिस्टर को सोलर कर लेते हैं एंड आप देख सकते हो मैंने सारे ट्रांजिस्टर को सोलर कर लिया है। सारे ट्रांजिस्टर के पिन 3 को एक साथ सोलर कर लिया है जो पॉजिटिव पे कनेक्शन करना होगा। तो चलिए आप डिजिट के साथ ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कर लेते हैं। उससे पहले सारी नेगेटिव कनेक्शन कर लेते हैं। आईसी की दोनों साइड में NPN ट्रांजिस्टर है जिसको नेगेटिव सप्लाई चाहिए। दोनों साइड का ट्रांजिस्टर की नेगेटिव को एक साथ सोल्डर कर लेते हैं। हर एक PNP ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है उस आउटपुट को डिजिट का कॉमन एनोड के साथ सोल्डर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने सारे डिजिट का कनेक्शन कर लिया है। अब टाइम सेट करने के लिए बटन को सेट करना होगा। यहाँ पे चाहिए 4 पीस बटन। हर एक बटन का एक पिन जाएगा नेगेटिव पे एंड दूसरा पिन जाएगा 1 के रजिस्टर के साथ पॉजिटिव पे एंड हर एक बटन पे नेगेटिव को छोड़ के जो दूसरा पिन है वो कनेक्शन होगा आईसी पिन 23, 24, 25 एंड 26 पे। तो आप देख सकते हो मैंने बटन को बोर्ड के साथ सेट कर लिया है। बटन के कॉमन नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ देते हैं।
एंड बटन के दूसरे पिन को आईसी पिन 23, 24, 25 एंड 26 पिन पे कनेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हर एक बटन के साथ ऑन का रजिस्टर कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव पे। तो आप देख सकते हो रजिस्टर की सारी कॉमन पॉजिटिव को पीएनपी ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया है एंड आईसी पिन 7 एंड 20 को एक साथ जंपर करके उसी सेम पॉजिटिव पे कनेक्शन कर रहा हूँ। एंड आईसी का दोनों साइड का जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उस ट्रांजिस्टर के नेगेटिव के साथ आईसी पिन 22 को कनेक्शन कर देते हैं जो आईसी का नेगेटिव सप्लाई पिन है। तो आईसी को नेगेटिव सप्लाई भी मिल गया एंड पॉजिटिव सप्लाई भी मिल गया। अब आरटीसी मॉड्यूल का कनेक्शन करना होगा। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ DS1307 आईसी जो एक रियल टाइम क्लॉक आईसी है। यहाँ पे और जरूरत होगा 32.786 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, 2 पीस 10K रजिस्टर, 1 पीस CR2032 बैटरी होल्डर एंड 1 पीस 8 पिन आईसी बेस। तो चलिए आप आरटीसी मॉड्यूल का कनेक्शन को देख लेते हैं। आईसी पिन 1 एंड 2 के साथ कनेक्शन करना होगा क्रिस्टल को, आईसी पिन 3 के साथ CR2032 बैटरी होल्डर की पॉजिटिव के साथ कनेक्शन करना होगा एंड आईसी पिन 4 को बैटरी होल्डर की नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना होगा। आईसी पिन 5 एंड 6 के साथ 2 10K रजिस्टर कनेक्शन करना होगा। दोनों रजिस्टर का दूसरा पिन आईसी पिन 8 पे कनेक्शन करना होगा। आईसी पिन 5 से मेन आईसी का 27 पिन पे कनेक्शन करना होगा एंड आईसी पिन 6 से मेन आईसी का 28 नंबर की पिन पे कनेक्शन करना होगा। आईसी पिन 7 जाएगा डिस्प्ले का डॉट एलईडी में एंड आईसी पिन 8 पे मेन पॉजिटिव सप्लाई कनेक्शन करना होगा एंड सर्किट के मेन नेगेटिव सप्लाई को आईसी पिन 4 पे कनेक्शन करना होगा। तो चलिए इस कनेक्शन का बोर्ड पे कर लेते हैं।
मैं यहाँ पे बैटरी होल्डर का गलत प्रेस किया हूँ। यह है बैटरी का नेगेटिव एंड यह है पॉजिटिव। मैं आईसी के साथ कनेक्शन को उल्टा कर दिया था। अब इसको सही से प्लेस करके कनेक्शन को ठीक कर लेता हूँ। इसके बाद डिस्प्ले का मिडिल का जो डॉट एलईडी है उसका कनेक्शन कराना होगा। यहाँ पे टोटल है 4 पीस डॉट एलईडी, चारों एलईडी का पॉजिटिव को एक साथ करेंगे, नेगेटिव को एक साथ करेंगे। पॉजिटिव जाएगा मेन पावर सप्लाई की पॉजिटिव पे एंड नेगेटिव जाएगा 470 ओम रजिस्टर से होते हुए RTC IC पिन नंबर 7 पे। तो चलिए आप कनेक्शन का कर लेते हैं। इसके बाद AM/PM एलईडी को सेट कर लेते हैं। एलईडी की नेगेटिव जाएगा मेन सप्लाई की नेगेटिव पे एंड पॉजिटिव जाएगा 470 ओम रजिस्टर से होते हुए आईसी पिन 13 पे। फाइनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव पे पावर सप्लाई देने के लिए 2 वायर सोल्डर कर लेते हैं। तो हमारा कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद मेन ATMEGA 8 IC को प्रोग्राम करना होगा। मैं यहाँ पे मेरा इस होममेड प्रोग्रामर का इस्तेमाल करूँगा प्रोग्राम करने के लिए, लेकिन आप इसको ब्रेडबोर्ड पे भी कर सकते हो। मेरा पिछला वीडियो देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में दिखाया है कैसे आप ब्रेडबोर्ड पे प्रोग्राम कर सकते हो। तो चलिए डेस्कटॉप पे मिलते हैं। ये जो कोड है इस कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आईसी को प्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन उससे पहले RTC मॉड्यूल का लाइब्रेरी फोल्डर Arduino की लाइब्रेरी फोल्डर में ऐड करना होगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लाइब्रेरी फोल्डर को डाउनलोड करके Arduino की लाइब्रेरी फोल्डर में ऐड कर लीजिए। मैं इसको ऑलरेडी करके रखा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल है। Arduino को इस्तेमाल करके आईसी को प्रोग्राम करने के लिए पहले ISP कोड को अपलोड करना होगा। तब एग्जाम्पल पर जाके Arduino ISP कोड को अपलोड कर दीजिए। उसके बाद अपने जो आईसी को प्रोग्राम करना है उस आईसी को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे ATMEGA 8 आईसी सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड प्रोग्रामर को Arduino एज ISP सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम करने के लिए बूटलोडर बंद करना होगा। बूटलोडर बंद होने के बाद अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर सिलेक्ट करके मेन कोड को अपलोड कर देना होगा। तब देख सकते हो कोड सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। चलिए आप देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल चार्जर से क्लॉक को पावर दे रहा हूँ। आप डायरेक्टली मैक्सिमम 5 वोल्ट दे सकते हो, नहीं तो आप 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो क्लॉक में पावर देते ही यहाँ पे डिस्प्ले ऑन हो चुका है। मैं यहाँ पे एक पेपर डाल देता हूँ क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट LED है, नहीं तो कैमरा पे सही से नहीं दिखेगा। जब क्लॉक को फर्स्ट टाइम पावर दोगे पहले टाइम सेट करना पड़ेगा। चलिए टाइम को सेट कर लेते हैं। टाइम सेट करने के लिए पहले सेटअप मोड ऑन करना होगा। सेटअप मोड ऑन करने के लिए यहाँ पे जो पहला बटन है उसको अगर प्रेस कीजिए तो सेटअप मोड ऑन हो जाएगा और यहाँ पे सारी LED एक साथ ब्लिंक करेगा। हार्ड सेट करने के लिए दूसरे बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना होगा। एंड मिनट को सेट करने के लिए तीसरे बटन को प्रेस करके होल्ड करना होगा। मैं यहाँ पे 12:59 सेट कर रहा हूँ।
एंड ए क्लॉक बाय डिफॉल्ट 12 हर्ट्ज क्लॉक में होता है, मतलब जब यहाँ पे दोपहर के 1 बजेगा तब ये पीएम एलईडी ग्लो करेगा। तो चलिए देखते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं। अब देख सकते हो यहाँ पे 1 बज चुका है एंड यहाँ पे पीएम एलईडी भी ग्लो कर रहा है। अगर आप इसे 24 आवर्स मोड पे करना चाहते हो, यहाँ पे जो लास्ट का बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो 24 आवर्स में टाइम दिखाएगा एंड फिर से प्रेस करने से 12 आवर्स मोड पे टाइम दिखाएगा। तो चलिए पावर को डिस्कनेक्ट करके देखते हैं टाइम रिसेट होता है कि नहीं। अब देख सकते हो पावर को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने से टाइम रिसेट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे आरटीसी मॉड्यूल इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे टाइम भी करेक्ट दिखाएगा। पहले क्लॉक में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्लॉक थोड़ा फास्ट हो रहा था, लेकिन इस क्लॉक में ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आरटीसी मॉड्यूल को इस्तेमाल किया गया है और पावर जाने के बाद भी ये टाइम इरेज नहीं होगा, क्योंकि इस बैटरी से आरटीसी मॉड्यूल कंटिन्यू रन हो रहा है, इसलिए पावर रिसेट नहीं हो रहा है। अगर आप इस बैटरी को नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्लॉक चलेगा ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तब देख सकते हो मैं जैसे ही बैटरी को निकल लिया यहाँ पे क्लॉक काम नहीं कर रहा है एंड बैटरी को निकल के अगर मैं मेन पावर को ऑफ कर देता हूँ तब ये टाइम रिसेट हो जाएगा। मैं जैसे ही बैटरी को निकल कर पावर को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट किया, टाइम रिसेट हो चुका है एंड यहाँ पे सब कुछ 00 शो हो रहा है, मतलब आपको फिर से टाइम सेट करना पड़ेगा। जब क्लॉक पर टाइम सेट करोगे तब 24 आवर्स में टाइम सेट होगा, लेकिन टाइम सेट करने के बाद ये बाय डिफॉल्ट 12 आवर्स मोड पे क्लॉक रन होगा। शाम के 7 बजे सेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को 19 सेट करना होगा, उसके बाद ही 7 दिखाएगा। तब देख सकते हो सेट करने के बाद 7 दिखा रहा है एंड यहाँ पे पीएम एलईडी ग्लो कर रहा है। आप चाहो तो मिडिल पे जो डॉट एलईडी ब्लिंक कर रहा है वहाँ पे दूसरा कलर का एलईडी भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे बाद में रेड कलर का एलईडी को सोल्डर किया हूँ। इसी सेम क्लॉक को मैंने पीसीबी डिजाइन करके बनाया है। पहले बैटरी को डाल देते हैं एंड इस बोर्ड में बहुत सारा जम्पर डालना पड़ा है क्योंकि ये सिंगल साइड पीसीबी बोर्ड है एंड यहाँ पे 7805 वोल्टेज रेगुलेटर इस्तेमाल किया हूँ कि यहाँ पे मैं डायरेक्टली 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ। क्योंकि इसको डिजाइन करके बनाया गया है इसलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है और ये साइज में भी थोड़ा बड़ा है। अगर आप इस क्लॉक का किट लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, उस किट को लेकर आप इसे घर पर बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट का सारी फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस यही था वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।